Welcome back, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to start another chapter of our SST book by Brain Root series. The name of our book is Jelly Bean Journeys in Social Studies, Class 1. आज हम अपना चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे. हमारे चैप्टर का नाम है आर नेबरहुड. तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. सम एंड सब्सटेंस. इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे मार्केट, हॉस्पिटल, स्कूल, पोस्ट ऑफिस, पार्क और पुलिस स्टेशन. इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे. बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, फर्स्ट वी विल डू वन एक्टिविटी. Identify and name these places in our neighborhood. आपको इन pictures को अच्छे से देखना है और इनके नाम लिखने हैं कि ये कौन सी picture है और कहाँ की picture है. जैसे सबसे पहली picture में बहुत सारी shopping की क्या है, shops हैं, तो ये picture है shopping mall की. Next picture देखिए, लोग खाना खा रहे हैं. आप खाना खाने कहाँ जाते हैं? जब आपका बर्थडे होता है या गेस्ट आते हैं, हम उन्हें लेके जाते हैं रेस्टोरेंट में. और नेक्स्ट पिक्चर है टेंपल की, तो आपको इन सब के नाम लिखने हैं. नेबरहुड क्या होता है? आप खेलने पार्क में जाते हैं. जब हम बीमार होते हैं हम कहाँ जाते हैं? हम जब बीमार होते हैं हम हॉस्पिटल जाते हैं. पापा को पैसे जमा कराने हैं तो वो बैंक जाते हैं. और अगर मम्मा को घर का सामान लेना है, ग्रॉसरी आइटम लेना है, तो वो जाती हैं मार्केट. मार्केट, हॉस्पिटल, बैंक और पार्क, ऐसी बहुत सी जगह हैं जो हमारे घर के आसपास होती हैं. उन्हें हम नेबरहुड प्लेसेस कहते हैं. तो चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में. द एरिया अराउंड आर हाउसेस इज कॉल्ड नेबरहुड. वो जगह जो हमारे घर के आसपास होती है उन्हें हम आवर नेबरहुड कहते हैं. इट हैज़ मैनी प्लेसेस एंड द पीपल लिविंग नियर बाय आर आवर नेबर्स. नेबरहुड में बहुत सारी जगह होती हैं और वो लोग जो हमारे घर के आसपास रहते हैं जिन्हें हम अपना पड़ोसी कहते हैं, उन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर नेबर्स, हमारे पड़ोसी. वी शुड बी गुड नेबर एंड सपोर्ट ईच अदर इन नीड. हमें हमेशा अच्छा पड़ोसी बनकर रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ज़रूरत में. ऑल द थिंग्स एंड सर्विसेज डैट वी नीड आर अवेलेबल इन आर नेबरहुड. जो भी हमें सुख सुविधाओं के लिए चीज़ें चाहिए वो हमारे घर के आसपास हमारे नेबरहुड में मिलती है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे मार्केट के बारे में. अ मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर देयर आर many shops that sell different kinds of goods. We can buy everyday things from there. Market वो जगह है जहाँ पर बहुत सारी shops होती हैं, दुकानें होती हैं, और इन दुकानों पर अलग अलग सामान मिलता है और हमारी ज़रूरत का सारा सामान हम market से लेते हैं. School, आप सब पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? School में जाते हैं. तो स्कूल वो जगह है जहाँ पर हम लिखना और पढ़ना सीखते हैं. एवरी नेबरहुड हैज़ अ स्कूल. सबके पड़ोस में स्कूल होता है. मैनी चिल्ड्रन ऑफ आर नेबरहुड गो टू स्कूल टू स्टडी देयर. हमारे पड़ोस के बहुत सारे बच्चे विद्यालय जाते हैं, स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए. अब हम पढ़ेंगे पार्क. पार्क क्या है? पार्क वो जगह है जहाँ पर बच्चे खेलने जाते हैं और जो एडल्ट्स होते हैं या बड़े लोग होते हैं वो वॉक के लिए जाते हैं. एवरी नेबरहुड शुड हैव अ पार्क. सभी पड़ोस में पार्क होता है. इन द इवनिंग वी प्ले देयर. शाम के समय हम वहाँ खेलते हैं. देयर आर मैनी स्विंग्स इन अ पार्क. आवर एल्डर ऑल्सो गो देयर फॉर अ वॉक. पार्क में बहुत सारे स्विंग्स मतलब झूले होते हैं जिन पर बच्चे झूलते हैं, और जो हमारे बड़े होते हैं वो इवनिंग वॉक के लिए और मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में जाते हैं. नाउ इंटरप्रिटेशन. मैनी नेबरहुड हैव ATMs डेट आर यूज टू विड्रॉ मनी. बहुत सारे पड़ोस में क्या होते हैं? ATM मशीन होती है जिससे हम क्या निकालते हैं? कैश निकालते हैं, कैश विड्रॉ करते हैं.
hospital. A hospital is a place where we go when we are sick. Hospital वो जगह है जब हम बीमार होते हैं हम वहाँ जाते हैं. The doctor examine patients and give medicine. Doctor patient का मरीज का checkup करते हैं और उन्हें दवाई देते हैं. The patients are looked after by the nurses. और patients की देखभाल कौन करता है? Nurse करती है, जिन्हें हम hospital में sister कहते हैं. Bank. We go to a bank to keep our money and jewelry safe. हम bank में जाते हैं अपने पैसे और अपने आभूषणों को सुरक्षित रखने के लिए. Police station. Every neighborhood has a police station. सबके आस पड़ोस में पुलिस स्टेशन होता है. क्यों होता है? पुलिस स्टेशन इसलिए होता है ताकि पुलिस हमारी रक्षा कर सके. द पुलिस प्रोटेक्ट अस. पुलिस हमारी सुरक्षा करती है. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स. वो चोरों से हमारी रक्षा करती है. दे ऑल्सो लुक आफ्टर द ट्रैफिक. दे मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. पुलिस ट्रैफिक को भी मेंटेन करती है और कानून बनाती है जिसके नियमों का पालन हम सबको करना चाहिए. नाउ टाइम टू हैव अ लुक ओवर. द नेबरहुड इज द एरिया अराउंड आर हाउसेस. नेबरहुड वो जगह है जो हमारे घर के आसपास होती है. नेबर्स आर पीपल हु लिव इन द नेबरहुड. नेबर्स पड़ोसी कौन होते हैं? वो लोग जो हमारे घर के आसपास रहते हैं. Every neighborhood has a school. A hospital is a place where we go when we are sick. Hospital वो जगह है जब हम बीमार होते हैं हम वहाँ जाते हैं. Every neighborhood has a police station. The police protect us from thieves. हर neighborhood में police station होता है. Police हमारी सुरक्षा करती है चोरों से. We go to bank to keep our money safe. हम बैंक में जाते हैं अपने पैसे को सुरक्षित रखने. नाउ एस्टिमेशन कॉर्नर. तो सबसे पहली एक्सरसाइज है हमारी चूज द करेक्ट ऑप्शन. हमें सही ऑप्शन को चूज करना है. तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है पीपल हु लिव नियर आर हाउसेज आर आवर. वो लोग जो हमारे घर के आसपास रहते हैं वो कौन होते हैं? नेबर्स, फ्रेंड, नेबरहुड या नन ऑफ दीज. तो वो होते हैं नेबर्स, हमारे पड़ोसी. नंबर टू द डैश प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स. हमें चोरों से कौन बचाता है? पुलिस, टीचर, डॉक्टर या पोस्टमैन. चोरों से हमारी सुरक्षा करती है पुलिस. पेशेंट आर ट्रीटेड इन अ. जो बीमार मरीज होते हैं उनका इलाज कहाँ होता है? बैंक में, हॉस्पिटल में, पोस्ट ऑफिस में या नन ऑफ दीज. तो बीमार लोगों का इलाज होता है हॉस्पिटल में. वी कैन बाय एवरीडे थिंग्स फ्रॉम. हम रोज की ज़रूरत की चीज़ें कहाँ से खरीदते हैं? पोस्ट ऑफिस, मार्केट, स्कूल या नन ऑफ दीज. तो हमें जो रोज की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हम लेते हैं मार्केट से. एक्सरसाइज बी फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स. आपको खाली स्थानों को भरना है किसकी हेल्प से? एक बॉक्स दिया हुआ है उसमें कुछ वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स की हेल्प से हमें खाली स्थानों को भरना है. नंबर वन द एरिया सराउंडिंग आर हाउस इज आर. वो जगह जो हमारे घर के आसपास होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है नेबरहुड. तो हम यहाँ लिखेंगे एन ई आई जी एच बी ओ यू आर एच डबल ओ डी हुड नेबरहुड. नंबर टू देयर आर मैनी डैश इन द मार्केट. मार्केट में बहुत सारी क्या होती हैं? मार्केट में बहुत सारी शॉप्स होती हैं. एस एच ओ पी एस शॉप्स. वी डिपॉजिट आर मनी इन द. हम अपने पैसे कहाँ जमा कराते हैं? हम पैसे जमा कराते हैं बैंक में. तो हम लिखेंगे यहाँ पे बी ए एन के बैंक. नाउ नंबर फोर देयर आर मैनी डैश इन अ पार्क. पार्क में बहुत सारे क्या होते हैं? बच्चों की पसंद के स्विंग्स मतलब झूले होते हैं. एस डब्ल्यू आई एन जी एस स्विंग्स.
Now time to do exercise C. Match the following. सही मिलान करिए. तो यहाँ पे कुछ नाम है, मार्केट, पार्क, स्कूल एंड बैंक, और उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं. आपको सही मिलान करना है, मैच करना है. मार्केट, मार्केट में क्या होता है? ब्लैक बोर्ड, मनी, स्विंग्स या शॉप. तो मार्केट में होती है बहुत सारी शॉप्स. पार्क, पार्क में क्या होते हैं? पार्क में होते हैं स्विंग्स, झूले. तो हम पार्क को स्विंग से मैच करेंगे. स्कूल, स्कूल में मनी होता है या ब्लैक बोर्ड? स्कूल में होता है ब्लैक बोर्ड. और बैंक को हम मैच करेंगे मनी से, पैसों से. सो माई डियर स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ आवर नेबरहुड. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.